Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is the Noodles Girl. So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दो सरप्राइजेस हैं आप लोगों के लिए. पहला, आज हम अपने फर्स्ट सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं. एंड सेकेंडली, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे पास आया था और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था कि मैम प्लीज़ अपनी जर्नी शेयर कीजिए. सो इस मुबारक दिन में मैं आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ. यस, सो बने रहिएगा लास्ट तक और लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इस दिन का बहुत ज़्यादा हम सब ने बेसब्री से इंतज़ार किया था. फाइनली ये दिन आ चुका है जिसमें हमारे पास हमारा फर्स्ट सिल्वर प्ले बटन हमारे पास है. तो जल्दी से खोलते हैं इसको. वैसे मैंने थोड़ा सा खोल लिया है क्योंकि पेशेंस बिल्कुल नहीं था मेरे पास. सो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत मैंने खोल लिया है. इट्स ओके, चलते हैं यार. इतना तो मैंने बहुत इंतजार किया. सो YouTube की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा सर्टिफिकेट टाइप आप बोल सकते हैं, मेरे जिसमें उन्होंने हमारी अच्छी अच्छी तारीफें लिखी हैं. एंड फिर आता है हमारा सिल्वर प्ले बटन. मैं बता नहीं सकती कि ये क्या है मेरे लिए. मैं नहीं बता सकती. मैं पता है, जब ये फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में आया था ना, मतलब मैं दो रात से सो नहीं पाई थी. मैं ट्रैक कर रही थी कब यूएस से शिप हुआ है, फिर दुबई एयरपोर्ट पहुंचा है. तो मैं ना इसको ट्रैक कर रही थी और मैं सो नहीं पा रही थी. और जब ये मेरे हाथ में आया ना, तो सच में मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो कि पता नहीं क्यों निकल रहे. पर ये अर्न किया है मैंने. लोग मुझसे बोलते थे क्या मिलेगा आपको वीडियोस बनाकर, क्या होता क्या है, क्यों बना रही हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो. मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, पर अब मैं जवाब दूंगी. अब मैं सबको जवाब दूंगी और शायद अब मुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं है. ये है मेरा मान सम्मान, ये है मेरी दौलत, और ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से. आई एम नथिंग विदाउट यू. मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से. थैंक यू. और ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारा है, ये हम सबका है. ये अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, ये आपकी भी है. इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. सो थोड़ा सा माहौल ठीक करते हैं. नो मोर इमोशंस. सो लेट्स टॉक अबाउट माई जर्नी नाउ. सो चलो बात करते हैं कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी. तो उस टाइम पे, अच्छा मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरे माइंड में वीडियोस का कब आया, राइट. मेरे अंदर ना एक चीज़ है, लाइक मैं ना, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बोला था, पहले जो वीडियोस थी उनमें भी बोला था कि मैं थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरा आसपास का माहौल इतना अच्छा कह लो या इतने ओपन माइंडेड लोग नहीं रहते थे मेरे आसपास, राइट. सो वहाँ पे ना ऐसे इंसिडेंट होते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था देखकर. ऑल्दो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बट फिर वो अंदर ही अंदर मेरे बढ़ता रहता था और मेरा मन करता था मैं कैसे निकालूं, मैं कैसे रोकूं, मैं कैसे बताऊं इन लोगों को कि ये गलत कर रहे हैं. या ऑब्वियसली सबकी सोसाइटी में ना ये चीज़ें होती रहती हैं, बस वो बात अलग है कि कहीं पर बंद तरीके से होती है, मतलब छुपकर होती हैं, और कहीं इतना ओपनली हो जाती हैं कि सबको पता लग जाता है.
तो मेरे माइंड में था क्या करूं क्या करूं, कैसे इन लोगों को समझाऊं। सो उस टाइम पे माइंड में था कि यार शुड आई मेक अ वीडियो, तो फिर मुझे लगा कौन ही देखेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों से। अच्छा मीनवाइल ग्रेजुएशन कर रही थी, घर पे शादी की बात चल रही थी कि हाँ लड़की बड़ी हो गई है, शादी के बारे में हमें सोचना चाहिए। अच्छा काफ़ी बात आगे तक पहुंच गई थी और मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, वीडियोस बनाना चाहती थी, लोगों को इंस्पायर करना चाहती थी। इन सब में जो मेरी बैकबोन बने या फिर इन सब में जिसने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया वो है मेरे अप्पू और मेरी अम्मी। अप्पू अम्मी ने हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे आज भी याद है, मैं छत पर थी, मैं मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे थे और जब वो मेरे पास आए मुझसे पूछा कि क्यों रो रही हो, तो बस मैं छुपा नहीं पाई उनसे और मैंने उस दिन सब कुछ बोल दिया कि अब्बू मुझे पढ़ना है, अब्बू मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और मैंने कुछ और प्लान किया है, कुछ और सोचा है, प्लीज़ मुझे करने दो। और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना मुझसे कुछ क्वेश्चन किए, बिना अम्मी को कुछ बताए, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। और पता है ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैं अब्बू अम्मी से कुछ छुपाती नहीं थी, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि हमारी बेटी हमसे कुछ नहीं छुपाती, उनको मेरे इंटेंशन बहुत 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 क्लियरली साफ साफ उनको पता थे कि मैं कैसी हूँ, मैं किस हद तक जा सकती हूँ या मेरी लिमिट्स क्या हैं या मैं उन लोगों से कितना प्यार करती हूँ, उन्हें सब कुछ पता था। इस वजह से उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे मेरे सपनों को जीने की इजाज़त दी। फिर क्या था, फिर उसके बाद मैं बरेली आ गई, बरेली में मैंने फर्स्ट जॉब की अपनी रियल स्टेट में, उसके बाद फिटनेस इंडस्ट्री में मैंने काम किया और बरेली में मैं अभिषेक सर से मिली, ही वॉज माई फर्स्ट बॉस। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, और वो आज भी मुझे सिखाते हैं। आज भी मैं कहीं भी अटकती हूँ तो मैं कभी भी झिझकती नहीं हूँ उनको कॉल करने से पहले। उन्होंने हमेशा हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे कहीं राय की ज़रूरत हुई तो वो उन्होंने हमेशा हमेशा मेरा ख्याल रखा। सो थैंक यू सो मच, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो दिल से आपको थैंक यू उस हर एक डिसीज़न के लिए जो मैंने आपसे पूछ कर लिया, उस हर एक हेल्प के लिए जहाँ पर कोई भी नहीं था पर आप थे। हम सब की लाइफ में एक दो लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो सेल्फलेसली आपकी हेल्प करते हैं, और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे हैं तो उनको थैंक यू टाइम टू टाइम बोलते रहो उनको एहसास दिलाते रहो कि वो हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बरेली के बाद मैं गुड़गांव आ गई, गुड़गांव में मैंने HT मीडिया में जॉब किया, फिर पैनासोनिक में, अब एक और कंपनी में जॉब कर रही हूँ। सो बेसिकली जब मैं गुड़गांव आई ना तब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की वीडियोस वाली, तो मैं वीडियोस बनाती थी। बहुत स्ट्रगल था, मतलब मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी कि मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लीज़ एक मौका दो अपनी वीडियोस में, माइट भी लोग देखेंगे मुझे तो शायद मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बट दे वर नो वन, कोई नहीं था मेरी हेल्प। और फिर मुझे मिला जतिन कपूर जिसके साथ मैं वीडियोस बनाती थी, आई होप कि आप लोगों ने मेरी और जतिन के साथ की वीडियोस देखी होंगी। सो हमारी एक टीम थी, हम लोग साथ में वीडियोस बनाते थे एंड मैं ऑफिस से रात में हम लोग शूट करते थे, ऑफिस के बाद मैं शूट करती थी, काफ़ी लेट हो जाता था बट रेगुलरली हम शूट करते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी अच्छा हो गया था हमारा, मेरी फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुई थी वो भी मैं आपको दिखा। सो दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया था। इसके बाद कुछ टाइम हम लोगों ने साथ में वीडियोस बनाई और फिर हम लॉकडाउन लग गया और मुझे घर जाना पड़ गया, फिर मैं अकेली हो गई और फिर मेरा असली स्ट्रगल शुरू हुआ।
फिर मुझे पता लगा कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है। आप देखेंगे कि अम्मी और मैं, हम धूप में शूट कर रहे हैं और मैं अपना मतलब पूरा डायलॉग्स बोल रही हूँ और अम्मी पसीने में बिल्कुल अपने पूरे एक्सप्रेशन दे रही हैं। इट वॉज सो इमोशनल फॉर मी। सो जो लोग सोचते हैं कि मैं बिल्कुल अभी अभी फेमस हुई हूँ और एकदम से फेमस हो गई, वो लोग ये चीज़ें तो देख रहे हैं पर इसके पीछे की इतने सालों की मेहनत नहीं देख रहे। कितने लोग, अम्मी अबू और न जाने कितने सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, तो उन दुआओं को तो असर दिखाना था ना कभी ना कभी। और सही कहा है किसी ने कि मेहनत कभी भी किसी की ज़ाया नहीं जाती। इस चीज़ से मैं बस ये दो चीज़ समझी हूँ कि हार्ड वर्क, बस कीप गोइंग, चलते रहो, और दूसरा पेशेंस। मैंने हार नहीं मानी। मेरी वीडियोस इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देती थी, टिकटॉक पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे इसका, नहीं जाती थी। मैं सोचती थी पता नहीं लोगों को क्या ही पसंद है, फिर मैं सोचती पता नहीं क्या ही पसंद आता है लोगों को, फिर क्या पसंद करेंगे अगर ये पसंद नहीं करेंगे। पर देखो ना, आखिर आप लोगों ने पसंद कर ही लिया, ढूंढ ही लिया मुझे। पता है ये सफर आसान नहीं था मेरे लिए और शायद मेरे माँ बाप के लिए भी। बहुत कुछ सुनना पड़ा उन्हें, रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से, पर उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि हमें हमारी बेटी पे पूरा भरोसा है। वो जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और वो जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी, हमें हमारी परवरिश पे पूरा भरोसा है। बस उनकी यही बात ना मुझे हर बार टूटने से रोक लेती थी, मैं समेट लेती थी हर बार खुद को। पता है इसीलिए माँ बाप की दुआएं बहुत जरूरी हैं। मैं हमेशा बस उनसे एक बात कहती हूँ कि अब्बू बस मुझे दुआएं दो। और आपको पता है अम्मी मुझे बताती है कि शायद अब्बू ने कभी जिक्र किया होगा उनसे, कि ये मेरे लिए इतनी प्रीशियस है ना, मैं अपनी हर नमाज के बाद सबसे पहले अगर किसी के लिए दुआ करता हूँ ना तो इसके लिए। कैसे कैसे उनके सपने पूरे ना करूँ, कैसे प्यार ना करूँ उन्हें इतना ज़्यादा, जिसने सब कुछ लुटा दिया हो मेरे ऊपर। पर ये सब चीज़ें पता है तब पॉसिबल हो पाई जब मैंने कभी उनका विश्वास नहीं तोड़ा, हमेशा उनके मान सम्मान को सबसे ऊपर रखा, हमेशा बस अपने गोल, अपने एक होता है ना टारगेट, आपके अपने ड्रीम्स, बस उसमें फोकस किया। इधर उधर की चीज़ों में ना कभी ध्यान गया ही नहीं, बस आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है, अपने माँ बाप की कदर करो यार। पता है दुनिया में सब मिल जाता है, सब कुछ, बस माँ बाप नहीं मिलते, उन जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलता। प्लीज उनकी कदर करो। तो बस इसी उम्मीद में लगी हूँ मैं भी। बताओ दोगे मेरा साथ? बस आप लोग ना मेरे काम को सराहते रहिए, मुझे बताते भी रहिए अगर मैं कुछ गलत करूँ या मेरा कोई ऐसा कंटेंट आपको हर्ट करे तो आप मुझे बताइए भी, और अगर कोई कंटेंट आपको पसंद आए तो बहुत सारा प्यार दिखाइए मुझे। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपका मन करे तो, वहाँ पर बहुत कम लोग ही हैं वहाँ पर मेरे, बट अगर आप फॉलो करेंगे वहाँ मुझे तो मुझे दिल से खुशी होगी। और ये तो मेरी एक छोटी सी जर्नी थी, आगे मैं आपको छोटी चीज़ें बताती रहूँगी जिससे आप लोगों को अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें आसान लगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है हमेशा की तरह, इसको कट इट आउट करते हैं अभी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो प्ले बटन है, ये जो हमारा सिल्वर प्ले बटन है, ये मेरा नहीं है, हम सबका है। सो चीयर्स। जल्दी से हम दूसरे जो गोल बटन है ना उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है?
सो मैं तो बहुत मेहनत करने वाली हूँ, और वैसे भी बहुत मेहनत लगती है गाइस. मैं जॉब भी करती हूँ, उसके साथ साथ रात में स्क्रिप्ट लिखना, उसके बाद वीकेंड में उसको शूट करना, इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर मी. तो प्लीज़ अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो प्लीज़. एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के. तो आप लोग ना पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया करिए, ठीक है? सो फाइनली एक ड्रीम, एक छोटा सा ड्रीम कम ट्रू हुआ है मेरे लिए. तो और ये मेरे लिए हमेशा प्रीशियस रहेगा, हमेशा, क्योंकि फर्स्ट चीज़ हमेशा प्रीशियस होती है आपके लिए. और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है, यू नो, जो होती है दैट इज़ आपका विश्वास आपके रब के साथ, आपका रिश्ता आपके रब के साथ कैसा है. तो मेरा तो बहुत ही स्ट्रांग है, आप लोगों को भी बहुत स्ट्रांग रखना है. और वो पता है कैसे होगा? अपने माँ बाप को खुश रख के और अच्छे काम करके, ऑब्वियसली. और हाँ, उसको टाइम टू टाइम थैंक यू बोलते रहा करो. आपकी लाइफ में जो भी कोई छोटा बड़ा अच्छा कुछ भी होता है ना, उसको भी थैंक यू बोला करो. सो मैं भी थैंक यू बोलती हूँ, आप लोग भी बोलो. और इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं. और थैंक यू आप लोगों का भी, प्लीज ऐसे बने रहिए, मुझे ऐसे ही प्यार करती रहिए, मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूंगी. और आई लव यू सो मच गाइस, आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत 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 ज्यादा. सिल्वर बटन से ज्यादा नहीं. नहीं, आपकी जगह अलग है मेरी जिंदगी में और इसकी जगह अलग है. चलिए मैं आपको मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठीक है? तब तक आप लोगों को अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और मुझे याद करते रहें, ओके? तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर. और